Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing absolutely fine. So, मेरा नाम है कृष्णा खत्री, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार मेरे फिर से इस YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं मेरे बारे में बता दूं तो मैं रहता हूँ चेक रिपब्लिक में, जो कि कंट्री है यूरोप में, और वहाँ पर मैं रहता हूँ प्राग में, और मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एज अ स्टूडेंट वहाँ पर आके आप पार्ट टाइम जॉब करके क्या आपकी खुद की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे कर सकते हो या नहीं। और इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आपको मैंने पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बता दिया है, एज अ स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है, कौन कौन सी चीज़ें जो ज़रूरत होती है और उसके क्या क्या प्राइजेस है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एज अ स्टूडेंट अगर कोई आता है तो वो पार्ट टाइम जॉब करके खुद की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी अफोर्ड कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ों को चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो चलिए इस वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, आप लोग अगर चेक रिपब्लिक में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सिटी में जाना है, क्योंकि चेक रिपब्लिक एक कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ है। सबसे पहले नंबर पर आती है प्राग, फिर आती है ब्रनो, फिर आती है ओस्ट्रावा, फिर आता है ओलोमोक, फिर आता है लिब्रिक, फिर आता है रॉडिक, ऐसी बहुत सारी जो है सिटीज़ है। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो तो आपको कौन सी सिटी में काम मिलेगा और आप उससे अर्न करके आप लोग आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फीस है वो पे कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर बताऊँ और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ लोग आना प्रीफर करते हैं प्राग में। अब यहाँ पर सारी हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो कि प्राग में इजीली मतलब एडमिशन्स वगैरह हो जाते हैं और एडमिशन प्रोसेस भी सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता बस एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर आपको सिटी में क्या ध्यान रखना है, सिटी में क्यों आना है। अब जैसे कि बता दो, चेक रिपब्लिक एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पर प्राग जो सिटी है यहाँ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में मतलब हर साल टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई टूरिस्ट घूमने आ रहा है तो उसके लिए इस सिटी में हर चीज़ की मतलब जो भी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होगी। अगर कोई स्टोर होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ पर उन्हें चाहिए होंगे बंदे काम करने के लिए, और वहाँ पर काम कौन करता है, या तो कोई स्टूडेंट होगा वो करेगा या तो फिर वहाँ का जो लोकल है वो करेगा। और जो भी छोटे मोटे टाउन्स में रहते हैं वो लोग खुद अपने मतलब टाउन्स छोड़ के प्राग में आ जाते हैं ताकि वो लोग पढ़ सके और काम कर सके, बिकॉज उनके यहाँ पर सिटी में काम नहीं होता उतना या फिर होता है तो ज़रूरत नहीं होती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना है आपको कौन सी सिटी में जाना है, बट मोस्ट प्रिफरेबल सिटी है वो है प्राग, बिकॉज यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है। दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राग में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ प्राइवेट है कुछ पब्लिक है, और आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितना टाइम देती है जॉब करने के लिए साथ ही साथ में पढ़ने के लिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मंडे टू फ्राइडे डेली यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा, लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, मॉर्निंग 9 to 5 होगा, 9 to 6 होगा, साथ ही साथ में आपको असाइनमेंट्स करने हैं, आपको ग्रुप स्टडी करनी है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और आपको मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका ऐसे ही निकल जाता है, लास्ट में वीकेंड मिलता है सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में भी बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन अगर उनके पास मंडे को कोई अगर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट सबमिट करना है तो उनके पास सिर्फ 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे, तो वो लोग उस 2 दिन में मतलब उनका जो भी पेंडिंग वर्क है वो सबमिट कर देते हैं, बिकॉज स्टडी यहाँ पर मेन प्रायोरिटी है, आप उसी लिए ही यहाँ पर आ रहे हो ना कि पैसे कमाने के लिए। और साथ ही साथ में मैं बात करूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो वीक में सिर्फ आपको 2 या 3 दिन ही बुलाती है क्लास अटेंड करने के लिए, बाकी के जो आपके जो भी 3-4 दिन आपके जो बच रहे हैं आप उसमें जाइए, आप वहाँ पर फुल टाइम काम करिए, 12 घंटे 15 घंटे 10 घंटे आप जितना कर सकते हैं उतना आप वहाँ पर काम करिए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो ये यूनिवर्सिटीज़ है जो 2 से 3 दिन आपको बुलाती है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 3-3 घंटे जाना है, नहीं, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में लेक्चर होंगे मॉर्निंग 9 to 6 या फिर 7 to 6 7 to 5, डिपेंड करता है कि आपके एक दिन में कितनी क्लास लग रही है और वीक में कितने दिन आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी क्लास है। तो दूसरा पॉइंट में यही था कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितना टाइम देती है काम करने के लिए। तीसरा चीज़ आपका स्केड्यूल, आपका जो यूनिवर्सिटी का और आपका खुद का स्केड्यूल है उसमें आपको टाइम मिलता है या नहीं, बिकॉज देखो अगर आप कहीं पर दूर रहते हो आपको यूनिवर्सिटी जाने में 1 घंटा लगता है, यूनिवर्सिटी से घर जाने में 1 घंटा लगता है, तो आपके 2 घंटे तो यूं ही चले गए।
अभी आपको वहाँ से वापस किसी वर्क प्लेस पर जाना है, वहाँ पर जाके वापस भी आना है, 2-2.5 घंटे तो इसी में लग जाते हैं, मतलब आपके सीधे साधे 4 से 5 घंटे यूँ चले गए। और आप वहाँ पर जाके 5 से 6 घंटा काम करते हो, फिर आप वापस आते हो, और फिर वापस आके मतलब आप आपका यूनिवर्सिटी का रिमेनिंग काम वगैरह करते हो, तो ये सारी चीज़ें मैनेज आपको ही करनी होती है। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ टाइम नहीं देती, वो अपने स्टूडेंट्स को मतलब काफ़ी बिजी रखती है स्टडी में, मतलब आप प्रोजेक्ट करो, असाइनमेंट्स करो, वो सब भी हो जाता है तो ग्रुप स्टडी डाल देते हैं, मतलब बहुत टफ होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रह के पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। चौथी चीज़ है हेल्थ। हेल्थ क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हो चेक रिपब्लिक में और अगर आप डिलीवरी की कोई जॉब करते हो, लाइक उबर हो गया या फिर यहाँ की जो लोकल कुछ जैसे जोमेटो और स्विगी है, ये वैसे भी यहाँ पर उबर तो चलता ही है, साथ ही साथ में 2 ऐसे लोकल फूड डिलीवरी ऐप भी है जो फूड डिलीवर का काम करते हैं। उसमें चलो आप काम करने जाते हो, चलो सपोज आपका अगर आपका कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ आप साइकिल से गिर गए, आपको लग गया, आपकी हड्डियाँ वगैरह टूट गई, ये सारी चीज़ें तो इंश्योरेंस में कवर हो ही जाती है। लेकिन साथ ही साथ में अगर आपको लगती है आपका बेड रेस्ट आता है, तो आपकी सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सिटी आप नहीं जा पाओगे, आपकी स्टडी ख़राब हो रही है। दूसरा, आप जो भी 2-4 रुपये कमाने के चक्कर में गए थे, वहाँ पर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो भी आप खुद समझ जाओ, मतलब वो एक तरह से खराबी है, क्योंकि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हो यार, आप पैसे कमाने नहीं है, पैसे हर किसी को कमाने हैं, लेकिन एक बार पढ़ाई करके सेटल करके एक कंपनी में जॉब करो, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी है, हेल्थ सबसे पहले ध्यान रखना है। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हो, कहीं नाइफ लग गया तो आपका मतलब कट्स वगैरह लग गए, आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। पैसों का नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उसमें कवर हो जाता है, बस आपको कुछ पैसे देने होते हैं मेडिसिंस के। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सिटी में आना है, आपकी कॉलेज का स्केड्यूल क्या होगा, आपकी यूनिवर्सिटी कितना आपको काम करने के लिए मंजूरी देती है, और आपकी हेल्थ। अब यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है। पहली चीज़ आपका पासपोर्ट, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपका इंश्योरेंस, अगर नहीं है तो आप भी जहाँ पर आप जॉब करते हो वो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो, तो आपको चाहिए फूड कार्ड। अभी फूड क्या होता है, मतलब वहाँ का कोई भी लोकल डॉक्टर है, वो आपको उससे अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको वहाँ पर जाना है, कुछ 300 से 400 करोड़ रुपये वो डॉक्टर लेगा, INR में कुछ 1200-1500 रुपये, वो आपका मेडिकल चेकअप करके एक फूड कार्ड बना के देगा कि हाँ ये इंसान किचन में या फिर रेस्टोरेंट में काम करने के लायक है, इसे कोई भी तरह का डिजीज़ नहीं है, इसे कोई भी तरह का मतलब इन्फेक्शन नहीं है जिससे दूसरों को कुछ प्रॉब्लम हो। और चौथी चीज़ है अकोमोडेशन लेटर, मतलब आप कहाँ पर रहते हो। ये 4 चीज़ें आपको देनी है अगर आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हो और जॉब के लिए मतलब वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है मांगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया कि क्या आप यूनिवर्सिटी में आके पार्ट टाइम जॉब करके आप फीस अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। तो जी हाँ, आप एब्सोल्युटली कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हो। अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हो, आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस भर दो, दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ से आके आप इजीली अर्न कर सकते हो। अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हो, 1 साल की फ़ीस पे कर दो, बाकी सेमेस्टर की फ़ीस आप लोग इजीली निकाल सकते हो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके। आपको बस थोड़ा टाइम मैनेज करना होगा, आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा अपने लिए, खुद अपने लिए, जॉब के लिए, स्टडीज़ के लिए, वो आपको खुद देखना है कि आप किस तरह से सेटल करते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।